अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको छोला पूरी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अच्छे अच्छे नए वीडियो आप लोगों को पहले मिले। तो चलते देखते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। मैंने ये चने रात से भिगा के रखे थे, वाइट चने, इसे मैंने बॉईल करके रखे। ये मैंने कोरिएंडर ली हुई, इसे छोटे छोटे बारीक कटिंग की। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, ओनियन है, योगर्ट है, इमली और गुड़ की चटनी है बनाई हुई है, अजवाइन ली हुई है हमने, तेल ली हुई है यहाँ पे, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, टर्मरिक, जीरा, नमक स्वाद अनुसार लेना, धाना और जीरा पीसा हुआ, और हमने आटे को पहले से ही गूंद के रखा हुआ है, और दो टमाटर कटिंग किए हुए, और ऑयल चाहिए हमें। मैदे को हमने पहले से ही गूंद के रखा हुआ है ताकि हम जब पूरी बनाए तब हमारी मैदा एकदम अच्छे से मिले। हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। 3 से 4 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो चुका है, अब हम इसे इसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डालेंगे। गैस को थोड़ा धीरा ही रखना है हमें, गैस की लो को स्लो करना है। अब इसे थोड़ा सा हल्की आंच पे हमें गुलाबी होने तक देखना है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आएगी, वहाँ तक इसे हलाना है ताकि ये जल ना जाए। हमारा गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बिल्कुल अच्छा से हो गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे और इस प्याज को अच्छे से गुलाबी होने तक तीनों चीज़ों को हलाएंगे ताकि इसमें नीचे ताप न लग जाए। इसको अच्छे से हलाते रहना है, आंच को थोड़ा स्लो ही रखना है गैस की। हमारी तीनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई, अब इसके अंदर हम कटे हुए टमाटर डालेंगे। अब हम इसमें सब मसाला ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच हमने टर्मरिक हल्दी पाउडर लिया हुआ है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्मच, आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे हम। अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे मिक्स करने के बाद हम 4 से 5 मिनट ढक के रखेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब हम इसे ढक कर रखेंगे 4 से 5 मिनट तक ताकि टमाटर हमारे अच्छे से। 5 मिनट हो चुकी है, अब हम देखेंगे हमारे टमाटर का क्या हाल है। वाओ, ये बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। मैंने इसे एक बार बीच में हिलाया था ताकि ये दाग ना लग जाए, आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो गया है। 5 मिनट हो चुकी है, अब हम देखेंगे हमारे टमाटर का क्या हाल है। वाओ, ये बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। मैंने इसे एक बार बीच में हिलाया था ताकि ये दाग ना लग जाए, आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें छोले डालेंगे हम, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है इसे,
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये सब एक रस हो जाए और हमारी सब्जी अच्छे से रेडी हो जाए। अभी से हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए, सब्जी हमने 10 से 15 मिनट तक रख दी है। अब हम हमारे छोटे छोटे गुल्ले बना के पूरी तैयार करेंगे। मैंने ये गुल्ला बनाया है, अब इसकी हम पूरी बनाएंगे। पूरी को ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी है। आटे को हमने पहले से गून के रखा था, इसीलिए पूरी बहुत हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। और हमने तेल पहले से ही पैन में गरम करने रखा हुआ है। हमारा तेल भी गरम हो चुका है। अब हम इसमें इस पूरी को डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस थोड़ा स्लो ही रखना है हमें। पूरी को हमें हल्की सी गुलाबी ही करनी है, ना कि ज़्यादा डार्क ब्राउन। पूरी अच्छे से तला गई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। इसे मैंने ज़्यादा डार्क भी नहीं किया है और ज़्यादा मतलब कच्ची भी नहीं रखी है। इसका तेल हमें एकदम निकालना है, या तो आपके पास टिश्यू पेपर है आप उसके ऊपर भी रख सकते हो ताकि हमारा एक्स्ट्रा से तेल हो जाए। इसे एक प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी पूरी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं हमारे छोलों का क्या हाल है। छोले भी मस्त बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी सिसम सीट मतलब तिल डालेंगे। दो से तीन मिनट के लिए ढक के रखते हैं। पूरी अच्छे से तला गई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। इसे मैंने ज़्यादा डार्क भी नहीं किया है और ज़्यादा मतलब कच्ची भी नहीं रखी है। इसका तेल हमें एकदम निकालना है, या तो आपके पास टिश्यू पेपर है आप उसके ऊपर भी रख सकते हो ताकि हमारा एक्स्ट्रा से तेल हो जाए। इसे एक प्लेट में निकालेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी पूरी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं हमारे छोलों का क्या हाल है। छोले भी मस्त बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी सिसम सीट मतलब तिल डालेंगे। दो से तीन मिनट के लिए ढक के रखते हैं। वाह, हमारे छोले बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे पूरी पर सर्व करेंगे। मैंने इसे थोड़े ड्राई रखे हुए, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी मतलब थोड़ी सी ग्रेवी भी रख सकते हो। मुझे ये ड्राई पसंद है इसलिए मैंने इसे ड्राई रखा हुआ है, लेकिन ग्रेवी में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी डालेंगे। मैं आपको पहले बताना भूल गई, प्लीज़ फ्रेंड्स, हमें लीले धनिया और ग्रीन मिर्ची की, हरी मिर्ची की चटनी बनानी है, वो भी हमें इसके ऊपर डालनी है। और ये गुड़ और इमली की चटनी डालेंगे हम। ये हमारी छोला पूरी बहुत चटपटी बनेगी। अब हम इसके ऊपर
ग्रीन चटनी डालेंगे। मैं आपको पहले बताना भूल गई, प्लीज़ फ्रेंड्स, हमें लीले धनिया और ग्रीन मिर्ची की, हरी मिर्ची की चटनी बनानी है, वो भी हमें इसके ऊपर डालनी है। और ये गुड़ और इमली की चटनी डालेंगे हम। ये हमारी छोला पूरी बहुत चटपटी बनेगी। अब इस पे हम एक चम्मच दही डालेंगे अच्छे से। थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे। फाइनली हमारी डिश बनके रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यमी है और दिखने में भी बहुत अच्छी है। तो अब हम इसे एक तारी में ट्राई खा के देख के बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। और आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वही एक बार प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।